नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साइकोलॉजी शिक्षा हिंदी यूट्यूब चैनल। मैं हूं अवधेश, स्वागत करता हूं आपका। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग अगले प्रश्न पर बात करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि इस चैनल के माध्यम से समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र और मनोविज्ञान से संबंधित हायर एजुकेशन की समस्त परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, लोक सेवा आयोग में मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों पर व्याख्यात्मक परिचर्चा की जाती है, जो अवश्य ही आपके विभिन्न प्रश्नों पर आपकी पकड़ विकसित होगी, जिससे आप आसानी से सभी प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आंख की पेशियों में होने वाली गति के फलस्वरूप होने वाले द्विअक्षीय गहराई संकेत का नाम है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ बात हो रही है बाइनोकुलर क्यूज की। आप जानते हैं कि दो तरह के मोनोकुलर क्यूज एंड बाइनोकुलर क्यूज, एक नेत्रीय और द्विनेत्रीय संकेत की बात की जाती है। अगर हम द्विनेत्रीय संकेत की बात करें तो तीन प्रकार के ऐसे संकेत होते हैं। एक को कहते हैं एकोमोडेशन, यानी कि एकोमोडेशन, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, तथा रेटिनल डिस्फेरेसी। तो तीन तरह के द्विनेत्री संकेत होते हैं और यहां पर बात की जा रही है कि आंख की पेशियों में, यानी कि जो आंख है उनकी पेशियों में होने वाले गति के फलस्वरूप जो द्विनेत्रीय संकेत होते हैं उसका नाम बताइए। तो एकोमोडेशन जो होता है वह जो हमारी आंख की पुतली होती है, आंख की पुतली पे दो मांसपेशियां लगी होती हैं जिसे सेलेरी मांसपेशी कहा जाता है। इस सेलेरी मांसपेशी का काम यह होता है कि ऑब्जेक्ट को रेटिना पर सही जगह पर प्रक्षेपित करने के लिए लेंस को घटाना बढ़ाना, यानी कि इसका काम होता है, इसका और इसका काम होता है कि लेंस को कम और ज्यादा करना, ताकि जो ऑब्जेक्ट है वो सही जगह पर पड़े, ताकि हमें संवेदना हो सके, दृष्टि संवेदना हो सके। तो यहां पर क्या कह रहा है कि एकोमोडेशन यानी कि समंजन एक ऐसा द्विनेत्रीय संकेत है जो हमें किसी भी वस्तु के दूर या नजदीक होने का संकेत देता है। तो इसी की बात यह प्रश्न कर रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, तो अगला जो दो गहराई संकेत हैं द्विनेत्री, उसमें कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग का तात्पर्य यह होता है कि जो हमारी पुतली है वह जब आंख की नाक की तरफ दोनों पुतलियां होती हैं तो उसे कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं, और जब दोनों पुतलियां कान की तरफ फैलती हैं तो डाइवर्जेंट कहा जाता है। वहीं रेटिनल डिस्फेरेंसी यानी कि दूरी और नजदीक में जब हमारे रेटिनल इमेज का छोटा बड़ा होना, उसके आधार पर हम किसी भी वस्तु को दूर या नजदीक होना का एहसास कर पाते हैं। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, तो संपत्ति निर्माण करते समय अधिक से अधिक उपकल्पनाओं को जब एक साथ ध्यान में रखते हुए उसे रखते हैं तो उसे कहते हैं, यानी कि बात हो रही है कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन की। संपत्ति निर्माण में अधिक से अधिक उपकल्पनाएं, अधिक से अधिक जब हम परिकल्पनाओं को एक साथ लेते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। तो आप जानते हैं कि इस तरह के जो प्रश्न है उसमें फोकस गैम्बलिंग यानी कि केंद्रीय गैम्बलिंग यहां लिखा हुआ है, तो ये प्रश्न संख्या दो का ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर विचार करें, तो सीखने और मैच्योरिटी यानी परिपक्वता, यहां पर सीखने और परिपक्वता दोनों में विकास होता है, यह तो सभी मानते हैं। फिर भी दोनों के संबंध के बारे में कुछ मतभेद हैं। कौन सा मत बहुमत से उपयुक्त लगता है? ठीक है, तो अगर हम सीखना और परिपक्वता
के संबंध की बात करें या विकास में उनके योगदान की बात करें तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों का योगदान अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक परिपक्वता नहीं आती है तब तक व्यक्ति या बालक सीख नहीं पाता है। इसका प्रत्यक्ष अगर आप उदाहरण देखना चाहें तो इस पर बहुत सारे सिद्धांत आए, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है पियाजे का आप सिद्धांत पढ़े होंगे, जिन्होंने डेवलपमेंट के फोर स्टेज बताया और प्रति स्टेज में उन्होंने प्रत्येक स्टेज में एक निश्चित विकास बताया। यानी कि अगर किसी एक स्टेज में जो सीखने की प्रक्रिया है वह उसी स्टेज में पाई जाती है, उसके आगे और पीछे, उसके पीछे वाले में नहीं पाई जाती है, तो इस आधार पर हम देखें कि अगर अमूर्त चिंतन की आप बात करें तो वो हर हाल में पियाजे के अनुसार चौथे स्टेज में ही होगी, उसके पहले नहीं हो पाएगी। यानी कि चौथी स्टेज यानी कि जब वह इतना परिपक्व हो जाएगा कि वह अमूर्त चिंतन कर सकता है तभी वह किसी भी चीज को सीख सकता है। ठीक है, तो अब प्रश्न की बात हो गई, अब ऑप्शन पर चलते हैं। तो बचपन पूरा होने तक परिपक्वन अधिक महत्वपूर्ण है, उसके बाद सीखने का महत्व बढ़ जाता है, ये कोई विशेष बात नहीं है। अगले पर चलते हैं। सीखना और परिपक्वता में अंतःक्रिया होती है, इससे विकास होता है, ये एकदम सही ऑप्शन है, तो आप थर्ड का ऑप्शन बी लगा देंगे। अगले प्रश्न पर चलें, तो वह शोध पद्धति जिसमें मनोवैज्ञानिक दो कारकों के बीच का संबंध प्रत्येक को अलग अलग मापित कर और बाद में परिणामों का तुलना कर पाते हैं को कहा जाता है। अब आप ध्यान दें कि शोध पद्धति में यानी रिसर्च मेथोडोलॉजी में जब दो कारकों के बीच संबंध की बात करते हैं तो आप जानते हैं दो कारकों के बीच संबंध की बात कहां करते हैं, तो प्रेक्षण प्रयोगात्मक संबंध और निर्वाद। तो इसमें बहुत ही आसानी से आप लगा सकते हैं आंसर बी, क्योंकि सहसंबंध के आधार पर ही सहसंबंध क्या करता है, दो या दो से अधिक चरों के मध्य संबंध की व्याख्या करता है। किसी एक चर के बढ़ने और घटने से दूसरे चर में क्या परिवर्तन होता है, इसी का मापन सहसंबंध करता है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलें, तो पुनः स्मरण, ध्यान दें कि पुनः स्मरण नहीं, स्वतंत्र पुनः स्मरण में सूची में मदों के पुनः स्मरण की संभावना निम्नलिखित किस क्रम में होती है। आप जानते हैं कि जब फ्री रिकॉल करते हैं, स्वतंत्र पुनः स्मरण करते हैं, तो आप देखते हैं जो लास्ट वाले पद होते हैं वो सबसे पहले याद रहते हैं, फिर प्रथम वाले, फिर बीच वाले। तो आप इस तरह से जो ऑप्शन देखेंगे, अंतिम पद, पहला पद और बीच वाला पद, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। अगले प्रश्न पर बात करें, तो निम्नलिखित को उनके बनाने के समय के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। आइए, ये कुछ सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को यह उनके डेवलपमेंट या उनके विकास के क्रम के आधार पर व्यवस्थित करने की बात कर रहा है यह प्रश्न। तो बार आन की EQ प्रश्नावली, विनय का बुद्धि परीक्षण, आयोजन की व्यक्तित्व अनुसूची और थेमेटी का परसेप्शन टेस्ट, चार टेस्ट हैं, आप सभी के बारे में अवगत होंगे। तो अगर सबके क्रम की बात करें तो विनय और साइमन जो बुद्धि परीक्षण बना था, तो आप जानते हैं यह कब बना था, 1905 में। वहीं आप थेमेटिक अपरसेप्शन की बात करें तो जो TAT है वो बना था 1935 में मरेवन मार्किन द्वारा। ठीक है, अब आपको दो ऑप्शन मिल गया। अगर आप आइजिंग व्यक्तित्व प्रश्नावली की बात करें तो इन्होंने जो अपना व्यक्तित्व अनुसूची यानी कि पर्सनालिटी इन्वेंट्री इन्होंने डेवलप की थी वो 1957 में डेवलप की थी। और अंत में बार आन EQ यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्वेश्चनियर ये बनाया था डॉक्टर रिन्यूअल बार ऑन ने। ठीक है, इन्होंने जो विकास किया था वो 1996 में इन्होंने
ईक्यू का विकास किया था 1996। तो आप जानते हैं कि इस आधार पर आप जब भी आप एक दो आपके पास ऑप्शन हैं और आप उनके बारे में जानते हैं तो अन्य को आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने आपको सभी के विकास के क्षण को बताया है तो आप आसानी से आंसर लगा सकते हैं और इस आधार पर आप देखेंगे तो दूसरा, चौथा, तीसरा और पहला। तो इस आधार पर ऑप्शन जो सही होगा वो होगा सी। अगले प्रश्न पर बात करें, लोग आत्महत्या इसलिए करते हैं क्योंकि वे अपनी सांवेगिक व्यथा को असहनीय पाते हैं। ठीक है, ये अभिकथन और कारण वाले प्रश्न है। हमने पिछले सीरीज में आपको लगातार 10 अभिकथन और कारण वाले प्रश्न हल कराए थे और आपको टिक बताया था कि कितनी आसानी से हम अभिकथन और कारण वाले प्रश्न कर सकते हैं। आप उस सीरीज को देख सकते हैं या तो उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभिकथन है कि लोग आत्महत्या इसलिए करते हैं क्योंकि वे अपनी सांवेगिक व्यथा को असहनीय मानते हैं। कारण क्या है? आत्महत्या का प्रयत्न सहायता की पुकार है। आत्महत्या का प्रयास करना यानी कि वे सहायता की पुकार करते हैं। उनको लगता है कि अब ये दुनिया हमारे काम की नहीं है, लोग हमें पूछते नहीं हैं, हमारी सहायता नहीं करते हैं और इस संवेगिक व्यथा को इतना असहनीय मान लेते हैं कि वो अपनी जीवन लीला समाप्त करना चाहते हैं। तो इस आधार पर आप देखें तो दोनों ही ऑप्शन सही है और आर जो है एक ही व्याख्या कर रहा है कि लोग आत्महत्या क्यों करते हैं, क्योंकि वह आत्महत्या का प्रयास इसलिए करते हैं कि सोचते हैं कि उनकी सहायता लोग करें। ठीक है, तो इस आधार पर जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही होगा ए, यानी कि ए और आर सत्य है और आर सही व्याख्या करता है ए की। अगले प्रश्न पर विचार करें तो श्रव्य संकेत यानी ऑडिटरी सिग्नल गुजरते हैं। अब आइए, जो कान की संरचना और संवेदना से संबंधित ये प्रश्न है, चूंकि आप जानते हैं कि श्रव्य संकेत की अगर बात करें तो आप अगर कान की संरचना देखें तो कान की संरचना कुछ इस प्रकार होती है। आप ये कान की संरचना बनाते हैं तो ये एक तरह से ये क्या है, ये कान का पर्दा हो गया और इसी से लगे हुए तीन क्या होती हैं, हड्डियां होती हैं। तीन हड्डियां आप ना लीजिए ऐसे होती हैं और फिर एक ऐसे होती है और फिर एक हड्डी कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, तो इसे इनर कान कहा जाता है, इस तरह से इनर कान बन जाता है और जस्ट ये जहां पर टच होती है, ये जहां पर टच होती है वहीं से एक नई संरचना बनती है जो बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना मानी जाती है और वो ये होती है कि किसी भी संवेदना को, इस तरह की कुछ संरचना होती है और यहां से जो नर्व निकलती है वो कहां चली जाती है, टेम्पोरल लोब में जाती है। इस तरह से नर्व्स निकलकर कहां जाती है, टेम्पोरल नर्व। तो ये कान की संरचना है पूरा। तो अब क्या है, किस तरह से होता है? ठीक है, अब ये आप समझ गए कि ये कान है, बाहरी कान, ये कान की नली है और ये पर्दा है। ये तीन तरह की हड्डियां होती हैं, आप जानते हैं, हैमर, हैंडविल और स्टीरम। ठीक है, और ये कर्णावत जिसको कहते हैं, ठीक है, या आंतरिक कान कान कहते हैं इसको, और इसको मध्य कान कान कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आप प्रश्न पर आए और आसानी से आप प्रश्न हल कर सकते हैं। अंडाकार खिड़की, ठीक, अंडाकार खिड़की यानी कि ये, ऑर्गन्स ऑफ कॉर्टी यानी कि ये, ठीक, कर्ण पट यानी कि ये, एल्विल हैबर एंड स्टीरप जो हमने बताया, ये तीनों हड्डियां और श्रवण नली। बहुत आसानी से आप इसको क्रम लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस आधार पर आप देखेंगे कि सबसे पहले क्या आ रहा है, कान की नली आ रही है यानी कि एक नंबर। ठीक, फिर क्या आ रहा है, कान का पर्दा आ रहा है तो इसको आप दो नंबर दीजिए। इसके बाद ये तीनों हड्डियां आ रही हैं तो इसको तीन नंबर दीजिए। ठीक,
उसके बाद अंडाकार खिड़की, ये देख रहे हैं ये अंडाकार खिड़की जो हमने बनाया था ये, तो ये अंडाकार खिड़की आती है तो ये होता है चार, और अंत में क्या आएगा वो आएगा पांच। तो इस आधार पर आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं आंसर क्या, सी। अगले प्रश्न पर चलें। निम्नलिखित में से किस रूप में प्रस्तुत करने पर संभाव्यता से संबंधित समस्या का समाधान आसानी से हो जाता है, यानी कि जब प्रोबेबिलिटी से किसी समस्या का समाधान करते हैं तो आप जानते हैं कि जो पदानुक्रमिक ट्री होता है यानी हायरार्किकल ट्री जो बनता है उसी के आधार पर हम आसानी से समस्या का समाधान कर पाते हैं। तो इस आधार पर नवे का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अगले प्रश्न और इस सीरीज के अंतिम प्रश्न पर अगर हम विचार करें तो है, इनमें से कौन सी ह्यूरिस्टिक पद्धति का भाग नहीं है। ध्यान दीजिए, आप जानते हैं समस्या समाधान की दो विधियां हैं, हमने पहले भी बताया है, एल्गोरिदम विधि और ह्यूरिस्टिक विधि। एल्गोरिदम विधि जो गणितीय नियमों पर आधारित होती है जिसमें समय अधिक लगता है लेकिन समाधान होने की पक्की 100% गारंटी होती है, लेकिन जो ह्यूरिस्टिक विधि होती है वह शॉर्टकट मेथड होता है, रूल ऑफ थंब पर आधारित होता है, लेकिन इसमें समाधान मिल ही जाएगा ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है। तो ये बात कर रहे हैं कि ह्यूरिस्टिक विधि में यानी कि इसमें पद्धति का भाग कौन सा नहीं है। तो चूंकि इसके तीन भाग होते हैं, तीन तरह की इसमें विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं, मीन एंड एनालिसिस, तो मीन एंड एनालिसिस है, बैकवर्ड सर्च और प्लानिंग, तीन तरह की चीजें हैं। तो आप देख सकते हैं कि मीन एंड एनालिसिस ये है, बैकवर्ड ये है, नियोजन ये है, तो जाहिर सी बात है जो इसका आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा ये। हमें उम्मीद है कि आपको यह प्रश्नों की सीरीज पसंद आ रही होगी और अवश्य ही आपको विभिन्न परीक्षाओं में इससे लाभ मिलेगा। अगर आपको यह सीरीज अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली समस्त वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। आपका यह वीडियो व्याख्यान देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।